मध्य प्रदेश में अब खुले में मीट नहीं बेचा जा सकेगा, इसको लेकर नगर निगम अपना वार्निंग दे रहा है। कुछ दुकानदार हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जो फरमान चल रहा है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? एक नंबर काम है साहब, लगने में कांच लगना चाहिए, खुले में बिकना नहीं चाहिए, ब्लैक फिल्म होना चाहिए, साफ सफाई दिखती है उससे। कुछ लोग ऐतराज करते हैं, वो चीज़ नहीं होगी, सब लोगों के लिए नियम लागू होना चाहिए। कुछ लोग अवैध रूप से या जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो भी बेच रहे हैं, जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनकी दुकानें बंद कराना चाहिए, जिनकी कार्रवाई करनी चाहिए नगर निगम को, वो भी खोल कर बैठे हुए हैं दुकान। अभी तक यहाँ पर देखा हमने कि कुछ भी ऐसा नहीं है, कहीं पर भी कोई कांच नहीं लगा हुआ है, काला कांच। कांच इससे पहले लगा था सर, निकाल दिया था, अब फिर से लग जाएगा। ठीक है, आपका क्या नाम है? मोहम्मद मुश्ताक। मोहम्मद मुश्ताक एक दुकानदार, मीट कारोबारी हैं और इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिन लोगों के पास लाइसेंस नहीं है, जो अवैध रूप से इसका कारोबार कर रहे हैं, उनकी दुकानें बंद होना चाहिए और जो नगर निगम का या जो सरकार का आदेश है उसका पूरी तरह से पालन भी होगा। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल।